नमस्कार, मैं गुड़िया पांडे गुंज द डेली टाइड में आपका स्वागत है। वक्त हो गया दिन भर की बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं आज के टॉप 25 खबरों पर। यह चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने बंगाल और ओडिशा जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोरोना टीकाकरण में तेजी के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, भारत में ट्रायल बिना विदेशी वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी। कर्नाटक सीएम पद की कुर्सी आने की अटकलें तेज, पीएम येदियुरप्पा ने दिया जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र से सवाल, ब्लैक फंगस की दवाओं पर इतना टैक्स क्यों, इंपोर्ट ड्यूटी हटाई। डोमिनिका जाकर फंसा मेहुल चौकसी, वकील ने कहा कुछ गड़बड़ है, अपनी मर्जी से नहीं गए होंगे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मुलाकात। मीडिया कवरेज पर रोक के लिए सुशील कुमार की मां पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, शुक्रवार को होगी सुनवाई। राज्यों को केंद्र ने दिए 22 करोड़ से अधिक टीके, अगले 3 दिन में पहुंचेगी 11 लाख वैक्सीन। पहलवान सागर हत्याकांड, दिल्ली पुलिस ने 8 संदिग्धों के बयान दर्ज किए, सुशील के बारे में भी पूछे सवाल। प्रदर्शनकारी किसानों के शिविर पर हमले की एसआईटी जांच की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दफ्तर में पुलिस पहुंचने के बाद ट्विटर बोला, हमें भारत में अपने कर्मचारियों की चिंता है। गंगाराम अस्पताल में व्हाइट फंगस से कोविड-19 मरीज की आंख में कई छेद होने का पहला केस मिला। कोरोना से जंग में आ रहा खास तरह का हथियार, जीडियोस कॉलिडा ने मांगी एंटीबॉडी, कॉकटेल के ट्रायल की मंजूरी। मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश, लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे किसान, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट मिटावा। हवा वाले गुब्बारे में बांध कर टेक उड़ाया, वीडियो वायरल हुआ तो यूट्यूबर हुआ गिरफ्तार। राहुल गांधी के ट्वीट पर भड़के हर्षवर्धन, कहा लाशों पर राजनीति तो कोई धरती के गिद्ध से सीखे। जोफ्रा आर्चर का बड़ा बयान, कहा कोहनी की चोट के पूरी तरह से ठीक होने तक रंग क्रिकेट से दूर। स्कूल ऑफ रॉक अभिनेता केविन क्लार्क का निधन, सड़क हादसे में हुई मौत। दिल्ली के 2 गोदामों पर पुलिस का छापा, 850 किलो यूज्ड सर्जिकल दस्ताने बरामद, धोकर बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक के बीच हुई भिड़ंत, बैंड पार्टी के 4 सदस्यों की मौत। पटना, अधेड़ महिला और युवक की पिटाई, फिर जबरन करा दी शादी, गांव से निकाला। सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स से कहा, नए नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिन में दें। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कोरोना वायरस उत्पत्ति की जांच तेज करेंगी, बाइडेन ने 90 दिनों में मांगी रिपोर्ट। इराक, मिलिशिया कमांडर की गिरफ्तारी के बाद बगदाद में बढ़ा तनाव, सरकार पर रिहा करने का दबाव। गाइडलाइंस पर सरकार के साथ गूगल, केंद्र ने कहा गंभीर मामलों में व्हाट्सएप को हमें जानकारियां देनी ही होगी, पिचाई बोले गूगल नए नियमों को मानेगा।